मंगलम जी का तो वो चलेगा ना। हम लोग अभी तो दे दीजिए ऊपर। जिस विश्वास से हमारे मुख्यमंत्री ने राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बनाए हैं उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगी, और जो महिलाओं के समस्या को आएगी उसको भी मैं काम करूंगी उसके लिए। तो पूरे बिहार की महिलाओं के लिए आप आशा की किरण हैं, खासकर समस्तीपुर के महिलाओं के लिए क्या? राज्य महिला आयोग बड़ी जिम्मेवारी है और महिला उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है। जी जी जी, महिला आयोग में इसकी शिकायत भी पहुंचेगी आपको? पहुंचेगी। लंबित भी मामला है। मैं ज्वाइन करने के बाद, मैं जब ज्वाइन करूंगी उसके बाद जब मेरे सामने जो आएगी समस्या उस समस्या को मैं देखूंगी। जो आशीर्वाद मुझे मिला है मुख्यमंत्री जी से उस पर तो मैं जरूर उस पर करने का काम करूंगी। तो क्या माना जाए कि बिहार के जिलों में जो है घूम घूम के आप महिलाओं की समस्या का निदान करने? जी जरूर, मैं गांव जाऊँ घूमने के। जैसे हमने विधानसभा को मैंने सींचने का काम किया, लोकसभा का सींचने का काम किया, और पार्टी का जो दायित्व मिला मुझे पूरे जिला का उस मैंने दायित्व खड़ा उतरने का उसी विश्वास के ऊपर हमें जो दिया गया है जो पूरे बिहार के पर आप घूम करके काम करने के लिए, तो जो हमको विश्वास है और विश्वास पर माने हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तो मैं ज़रूर खड़ा उतरूंगी और पूरे बिहार का दौरा करूंगी। जो समस्या आएगा सामने में उसको मैं कोशिश करूंगी जो काम करूंगी। समता पार्टी की स्थापना इस ज़िले में जिस ज़माने में हम किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उस समय हमारे साथ उस पूरे संगठन को मजबूती से बनाने में हमारे शहीद साथी प्रदीप महतो जी हमारे साथ हुआ करते थे, और वहाँ से हम लोगों ने सफ़र शुरू किया था इस पार्टी का। और 2000 में समता पार्टी के तरफ से माननीय अश्वमेघ देवी जी एमएलए हुई कल्याणपुर की, इसी बीच 96 में हमारे साथी प्रदीप महतो जी की हत्या हो गई, और 2000 में एमएलए हुई। 9 साल तक कल्याणपुर विधानसभा में एमएलए के रूप में काम किया, और ज़िले के तमाम लोग जानते हैं कि जिस लोकप्रियता के साथ उस विधानसभा में ये लोकप्रिय रही और काम की, और उन लोगों के आशीर्वाद से ये उजियारपुर लोकसभा की सदस्य 9 से रही 14 तक, और 14 के बाद पार्टी ने इनको जिला अध्यक्ष का जिम्मेवारी दिया, और आज तक ये जिला अध्यक्ष के पद पर इस ज़िला में पार्टी का काम करती आ रही हैं। संगठन को मजबूत किया इन्होंने, और संगठन का जो हमारा फैलाव हुआ, संगठन जो मजबूत हुआ, तो इस ज़िले में हम 5-5 विधायक अपना जिताते रहे हैं। और आज इन 9 वर्षों के बाद संगठन के काम के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर से इनको राज्य महिला आयोग बिहार की अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित किया है। मुझको पूरा विश्वास है कि जिस तरह से एमएलए एमपी और संगठन के रूप में इस ज़िले में इन्होंने काम किया है लोगों के बीच, ये राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी बिहार में महिलाओं के हित में निर्णय लेंगी, महिलाओं के हित में काम करेंगी, महिलाओं के बीच जाएंगी, उनके बीच उनको सुनेंगी, उनके दुख और तकलीफ़ को दूर करने में जो भी इनसे बन पड़ेगा ये करेंगी, चूँकि पहले से ही ये सामाजिक कार्यों में लगी रही हैं, सामाजिक काम करती रही हैं, और राजनीतिक काम करते हुए भी महिलाओं के बीच इनको रहने और काम करने का मौका मिला है। इसलिए पूरे जिला पार्टी को, पूरा जिला जनता दल यूनाइटेड को, और इस ज़िले के आम लोगों को भी इन पर भरोसा और विश्वास है कि ये पूरे मजबूती के साथ महिलाओं के हित में निर्णय लेंगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है इनको बना के उस निर्णय पर ये बखूबी खड़ा उतरेंगी, और उनके नाम को भी ये आगे बढ़ाएंगे और काम को आगे बढ़ाएंगे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।